हे गाइस, वेलकम बैक टू एफटी व्लॉग्स। तो फाइनली हम आ गए हैं औरंगाबाद सिटी में। ना, अभी पहुँचे नहीं हैं। पहुँचेंगे औरंगाबाद सिटी और एक्सप्लोर करेंगे औरंगाबाद को। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है, पर फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है कि जिसमें मैं एक्सप्लोर करूँगा। बी रेडी टू एक्सप्लोर। तो भैया, बात ऐसी है कि इस वीडियो में हम करेंगे 5 प्लेसेस को एक्सप्लोर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया, हम निकल पड़े औरंगाबाद के सफ़र के लिए। ये तो ऑफिस की मेहरबानी थी कि 3 दिन लगातार छुट्टी था, सैटरडे संडे मंडे। तो हम निकल पड़े सैटरडे शाम पर संकोच में। औरंगाबाद जाने का प्लान हमने कुछ 10-15 दिन पहले ही बना लिया था। तो भैया, फिलहाल तो हम पहुंच रहे हैं कल्याण स्टेशन, वो भी जल्द से जल्द। तो मिलते हैं कल्याण स्टेशन पर। तो कल्याण पहुँचने के लिए हमें ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने पकड़ी एक ऑटो एंड देन हमने पकड़ लिया एक लोकल ट्रेन और हम पहुंचे कल्याण स्टेशन। सो फाइनली गाइस, हम पहुंच गए कल्याण स्टेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी भीड़ रहती है यहाँ पर, और ये शाम का टाइम था, 6:30 के आसपास। और ये है एक छोटा सा टाइम लैप्स। तो अब इसके पहले हम आगे बढ़ें, हम मिलाते हैं अपने ग्रुप से कि जिस ग्रुप के साथ हम जा रहे हैं। हम टोटल 7 लोग थे। ये जो मोहतरमा हैं, इन्होंने बहुत परेशान किया है वीडियो निकालते समय लेकिन काफ़ी मज़ा भी आया। तो ये आगे हमारी राजरानी एक्सप्रेस, इसी से हम जाएंगे औरंगाबाद। तो मिलिए, हाय सुनीता दी। हाय नम्रता। हाय कलश। हाय अर्षिता। तो गाइस, फाइनली हम निकल पड़े कल्याण स्टेशन से औरंगाबाद के लिए संभाजी नगर। एंड इसके पहले हमें काफ़ी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी जब ट्रिप को लेके। तो देखिए सुनिए। बताओ यार, इंस्ट्रक्शन चाहिए हमको। अगर ये आते हो ब्लॉग में आया ना, ये ब्लॉग में नहीं आना चाहिए यार। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठार। पहले अपने को चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या वीडियो लिया है, फिर इसको परमिशन देना पड़ेगा कि ये डालना है वीडियो की नहीं। बराबर पता है तुझे कि अब वायरल हो जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। हां ऐसा भी है, पैसा काशी को ही आएगा। से हम भी ब्लॉग में आ गए। अरे बाप, क्या निकालना है? सिविली का ना, इसका निकाल। ऊपर ही होमो, नीचे ही होमो। वीडियो नहीं, फोटो फोटो। मोमोज टाइम। जैसे कि आप सबका रिएक्शन देख ही सकते हैं कि काफ़ी एंजॉय करके खा रहे हैं मोमोज को। तो फाइनली भाभी की मेहनत सफल हुई एंड मैंने इतने मोमोज लेके चले गया था कि किसी ने अपने डब्बे तो खाए ही नहीं, सबके डब्बे खराब हो गए। सॉरी फॉर डैट। तो जर्नी तो कंटिन्यू थी, 2-3 घंटे से, 3-4 घंटे से हम सब मिल के बातचीत करते करते गाना सुनते चल रहे थे आगे। एंड फिर लगती है फिर से भूख, तो इट्स टाइम फॉर नूडल्स, जो कि फिर से मैंने भाभी से बनवाया था एंड इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में लेके गया था कि सबका पेट भर गया उतने में ही। ये जोड़ी तो केरला स्टोरी देखते देखते ही औरंगाबाद पहुंच गए, हर्षिता एंड कलश। तो फाइनली हम हंसते खेलते खाते पीते पहुंच गए हम औरंगाबाद। तो यहाँ से शुरू होगा रियल ट्रिप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो रात को 2:30 बजे हम पहुंच गए औरंगाबाद। पहुंचने वाले थे तो हम 2 ही बजे, लेकिन ट्रेन आधे घंटे लेट होने के कारण हम पहुंचे 2:30 बजे। एंड यहाँ से हम निकलेंगे हम फटाफट होटल रूम में, जो कि हमने ऑलरेडी प्री बुक किया हुआ था, नम्रता ने प्री बुक करके रखा था। एंड यहाँ पे पकड़ेगा टीसी। भाई टिकट दिखाओ। ले भाई, ऑनलाइन है सारे टिकट, देख लो। तो हम पहुँच गए औरंगाबाद। औरंगाबाद स्टेशन से हम बाहर निकल रहे थे, अपने होटल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में कई टेम्पो वाले ने बोला आ जाओ, पर हमारा होटल इतना नज़दीक था स्टेशन के नज़दीक कि हम वॉकिंग डिस्टेंस से ही पहुंच गए। हार्डली 5 मिनट्स लगा मुझे। तो अब देख सकते हैं औरंगाबाद रात के 2:30 बजे भी उतना ही एक्टिव जितना मॉर्निंग। तो गाइस, इसका नाम जल्द ही चेंज होने वाला है, संभाजी नगर ऑफिशियली हो चुका है, बट यहाँ पर होना बाकी है। तो पूरे ट्रिप में हम इसे औरंगाबाद सिटी से ही जानेंगे क्योंकि कुछ आखिरी समय है इस नाम से। 2:36 हो रहा है भाई, पूरा सुनसान रोड पहुंचने वाले होटल में, पूरा सुनसान रोड 2:30 बजे। सब आगे भाग रहे थे, पर कैमरामैन होने के कारण मुझे पीछे रहना पड़ता है कि वीडियो तो अकेले में बनती है। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने होटल, जिसका नाम था होटल रॉयल रेजेंसी। ये काफ़ी नियर बाय है स्टेशन के,
होटल औरंगाबाद से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने चेक इन कर लिया था कुछ करीब 3 बजे एंड काफ़ी बजट में था हमारे, हमने 2 AC रूम बुक किए थे। तो शक्ल से तो दिख ही रहा होगा कि किसी की नींद पूरी नहीं हुई है एक्सेप्ट कलश एंड ओम। तो अब चलेंगे हम होटल रूम के अंदर। तो 2 रूम थे, दोनों रूम अपोजिट में थे। गर्ल्स लोग का रूम काफ़ी बड़ा था कंपेयर टू हमारे रूम से एंड रूम काफ़ी सिंपल एंड सोबर था। सो गाइस, इस रूम में था एक डबल बेड और एक सिंगल बेड, तो मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से मैंने ले लिया सिंगल बेड। तो हमने जिस मतरमा का जिक्र किया था वो यहाँ पे वीडियो ख़राब करेंगी एंड वो काफ़ी एक्साइटेड थी। अब देखना आप बोलेंगी मैं रूम ओपन करूँगी, करो भाई ओपन इट करो। थैंक यू सो मच। अब देखेंगे हम रूम कैसा है, इनका रूम कंपेरेटिवली हमसे बड़ा था। आपकी टीवी बड़ी है? हेलो जी, आ गया स्वाद। IPL ही कैंसिल हो गया था उस दिन रात में। तो इनका रूम तो 4 लोग के लिए था, तो इनके लिए एक एक्स्ट्रा बेड नीचे बिठाना पड़ा था। एक सिंगल बेड था एंड एक डबल बेड। मिरर काफ़ी अच्छा था इनका, हमारे यहाँ थोड़ा गंदा था। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सो फाइनली हम औरंगाबाद में हैं। तो अभी का जो टाइम हो रहा है 6:30 बजे और मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज हम निकलेंगे ग्रिग्नेशन मंडल के लिए, वहाँ ज्योतिर्लिंग देखेंगे जो कि हम कार के थ्रू जाने वाले हैं। सो होप ये ट्रिप बहुत अच्छी हो एंड काफ़ी मज़ा आए। सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। टिल देन सो गाइस, फ्रेश होके अब तैयार हो गए मंदिर जाने के लिए। 8 बजे निकलना है मंदिर के लिए, देखते हैं कब तक कार आती है, तब तक सब रेडी हो जाएंगे। देखूँ ये माइक में आवाज़ बराबर आ रहा है कि नहीं, बस वही चेक। तो हम सब रेडी हो चुके थे, बस निकलने वाले थे मंदिर के लिए पहले। चलिए 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 मैम, चलो। तो कार वाले भैया हमारा वेट करें बाहर, फटाफट जाएंगे बाहर, 2-4 फोटोज़ निकालेंगे एंड देन हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी। तो ये इनोवा थी, AC वाली इनोवा जैसे कि नम्रता कहती थी। तो हमारा जर्नी यहाँ से शुरू। चलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मामा जी जय मंदिर। तो हम सब निकल चले महादेव के दर्शन करने पूरी श्रद्धा के साथ। तो फाइनली अब पहुंचने वाले हैं ग्रिग्नेश्वर टेम्पल एंड वहां करेंगे हम दर्शन। हम आ गए हैं ग्रिग्नेश्वर टेम्पल, हम अंदर फोटो शूट नहीं कर सकते तो हम यहीं पे अपना कैमरा अंदर लॉकर में रख के चल देंगे। ये देखो चल रहे हैं, देखते हैं दस कैसे दर्शन होगा और जो भी फोटोशूट करना रहेगा हम बाहर कर लेंगे। हाय हाय ब्रो, हाय हाय हाय, बिग फैन काशी भैया, थैंक यू भाई। ये है ग्रिग्नेश्वर टेम्पल का द्वार। तो फाइनली भगवान का बुलावा आ गया और हम पहुंच गए ग्रिग्नेश्वर टेम्पल। मंदिर में जाने पर ये सब देखने में काफ़ी मज़ा आता है, एकदम अलग सा मूड हो जाता है। बस एक ही दिक्कत थी कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, ये हमारा ग्रुप आगे भागे जाता है और मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। जय महाकाल, अब यहीं मोबाइल जमा हो जाएगा, अब आगे मोबाइल नहीं जाएगा। तो अब थे हम मंदिर के द्वार पर जहाँ से हमें एंट्री लेनी थी और जहाँ मोबाइल या फिर कोई भी गैजेट अलाउड नहीं था। तो यहाँ सेफ्टी लॉकर्स हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ पर 5 रुपीज़ पर फ़ोन या फिर पर गैजेट था। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम वो वहाँ रखेंगे एंड फिर हम जाएंगे दर्शन करने। तो गाइज, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अंदर फ़ोन तो अलाउड नहीं था, पर कुछ इस प्रकार हमारे दर्शन हुए। ये वीडियोज़ मैंने कहीं पुराने वीडियोज़ में से लिए हैं जिस समय फ़ोन शायद अलाउड था, तो फिर ये वीडियोज़ रेफरेंस के लिए था। एंड फिर वहाँ अब दर्शन तो हो गया था, तो अब निकले हम बाहर मंदिर से एंड यहाँ पर हमने थोड़ी फ़ोटोग्राफी की, सब ने काफ़ी फ़ोटोज़ निकाले जलते हुए पैर के साथ, पूरे कष्ट के साथ सब ने फ़ोटोज़ निकाले, पर काफ़ी मज़ा आया। अब हम इसके बाद जाएंगे अपनी अगली लोकेशन पर। तो कई सारी अमेजिंग फोटोज़ निकालने के बाद हम यहाँ से निकल पड़े गन्ने का जूस पीने ताकि थोड़ा फ्रेशनेस आ जाए, पर इन्होंने इतना लेट कर दिया कि दिमाग ख़राब हो गया था। सो फाइनली वी हैव कम्प्लीटेड आवर फर्स्ट लोकेशन ग्रिग्नेश्वर टेम्पल एंड काफ़ी मज़ा आया। तो अब चल पड़े अपनी अगली लोकेशन की ओर जो कि है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स बाहर से काफ़ी सुंदर दिख रहा था, अंदर पहुँचते लेकिन धूप भी काफ़ी बढ़ते जा रही थी, तो फिर आधी टीम तो बीच में थक गई थी एलोरा केव्स में, पर फिर भी अब स्टार्ट करते हैं एलोरा केव्स को एक्सप्लोर करना।
एलोरा केव्स कंप्लीट करना है तो प्रॉपर 2 से 3 घंटे लगेंगे और काफ़ी वॉक करना पड़ेगा। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो ओम का तो ये पूरे ट्रिप तक लगा रहेगा, तो चलते हैं अब एक्सप्लोर करते हैं एलोरा केव्स को। तो यहाँ पे सब रेस्ट कर रहे थे छांव में एंड मैं फिर आगे चल पड़ा अकेले ही, क्योंकि किसी को रील्स बनाने थे तो किसी को कुछ फोटोज निकालने थे, तो हम चल पड़े एलोरा केव्स को एक्सप्लोर करने अकेले इनिशियली। फिर वहाँ पे हमने गुफाओं के इतने सारे द्वार देख लिए कि हमारे कन्फ्यूजी आ गए कि जाना कहाँ से भाई, यहाँ से भी जा रहे हैं पब्लिक सीधे से भी जा रहे हैं, क्रॉस घूम के भी जा रहे हैं। एलोरा केव्स में आ गए हम लोग, पर इतने थक गए कि बाकी लोग आ नहीं रहे। इसमें अलग अलग प्लेसेस है, एलोरा केव्स नंबर 16, 16A, 16B, उसके अकॉर्डिंग पहली बार आ रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा इतना। देखते हैं इधर से। तो भैया हम कन्फ्यूजी आ गए थे, पर ये हमें पता था कि ये एलोरा केव्स है, तो हम एलोरा केव्स के लिए अंदर जाने के लिए रेडी थे। और यहाँ पे हम ठगा गए थे कि एक कैमरामैन ने हमें 4 फोटोज चिपका दिए जो कि 80 रुपये के लिए थे एंड एक भी फोटोज ढंग की नहीं थी, एक थी शायद। ठीक है चलो अंदर चलते हैं। तो अंदर जाने से पहले काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था कि हम अगर स्ट्रेट चले गए तो बाकी लोग कहाँ से जाएंगे, तो इसलिए सबके लिए रुकना पड़ा। फिर जब सब आ गए उसके बाद हम एक साथ अंदर गए। कितने का? इनिशियली मुझे एलोरा केव्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, बस इतना पता था कि वहाँ कई सारी गुफाएं हैं, कई सारी मूर्तियां हैं एंड काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है, बस इतना ही पता था। फिर वहाँ जाने के बाद उसकी इंपॉर्टेंस पता चली वहाँ पे क्या क्या है, तो हम देखेंगे वन बाय वन। तो अंदर पहुँचने के बाद पहले हर एक गुफाओं में जाने का मन कर रहा था, बट वहाँ इतना हाइजीन नहीं था तो हम बाहर निकले गुफाओं से एंड फिर हमने थोड़ी फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाले यहाँ पर, इसी आप देख सकते हैं। एलोरा केव के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पे जो गुफाएं हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में हैं, अलग अलग रिलीजियस में। लाइक 1 से 12 बुद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 हिंदू गुफाएं हैं और 30 से 34 जैन गुफाएं हैं। ये गुफाएं एक दूसरे के करीब बनी हैं। यहाँ पर बहुत कुछ था एक्सप्लोर करने के लिए जो कि हम नहीं कर पाए थे, काफ़ी सारे प्लेसेस हमने नहीं कवर किए थे क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट था। तो यहाँ पे गुफा संख्या जो 10 है वहाँ पे आपको कैलाश मंदिर मिलेगा और गुफा संख्या जो 16 है वहाँ पे 10 अवतार गुफा मिलेगा एंड उसके ही करीब गुफा नंबर जो 15 है और भी बहुत कुछ शामिल है वहाँ पर देखने के लिए, तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था, तो हम फटाफट जितना हो सका उतना एक्सप्लोर किया एंड हम वहाँ से निकल लिए। इन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, फर्स्ट टाइम ऐसी प्लेसेस पे गए थे एंड वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये सब, अगर आपको पढ़ना हो, इंटरेस्ट हो हिस्ट्री में तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। फिर वहाँ के बाद हम निकलते समय कुछ फ़ोटोज़ लिए एंड यहाँ से एलोरा केव्स का टिकट आपको 40 रुपये मिलेगा। तो अब हमारा तो एक्सप्लोर करके हो गया, अब आप जाना तो एक्सप्लोर करना अच्छे से 2-3 घंटे पूरे लेके ताकि सारे प्लेसेस कवर हो पाएँ। और ये कुछ फोटोज़ हैं जो यहाँ पर ली थे। ये भाई मिल ही जाता है। तो ये एसी वाली इनोवा से हम निकलेंगे अपनी अगली लोकेशन पे, एसी वाली इनोवा। हाय नम्रता। हाय। कैसा था अभी तक का एक्सपीरियंस? हाय ध्रुव। हाय भैया। हाय जे जे जोशी जी, मिस जोशी एंड हाय कलश, दिख रहे हो? और हर्षिता का हर्षिता कहाँ है? हर्षिता। हाँ है। शुभम भाई पीछे देख लो भैया, ये बाजू से। हाँ वेरी गुड। अभी तक एक्सपीरियंस कैसे आप लोग का सुनीता दी? बहुत और पूरा घूमे भी नहीं? अच्छा। तो सेकंड लोकेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई थी, अब हम चल पड़े अपनी थर्ड लोकेशन पे, श्रीभद्रा मारुति टेम्पल, जो कि काफ़ी पॉपुलर है एंड काफ़ी अच्छा लगा वहाँ दर्शन कर एंड हनुमान चालीसा पढ़कर। तो जय बजरंगबली, अब करेंगे हम बजरंगबली जी का दर्शन एंड एक क्यूट वीडियो आने वाली है, काफ़ी क्यूट वीडियो जिसमें बजरंगबली एकदम क्यूट लगेंगे एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या मूर्ति थी, मतलब दिल खुश हो गया था हम सबका
ये मूर्ति देख के मन कर रहा था देखते रहो। बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस है यहाँ पर। थोड़े ही दो चार कदम आगे बढ़ती हमें ये सब दुकान मिल जाती हैं जहाँ पे हम नाश्ता कर सकते हैं या फिर प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर के बाजू में ही है ये दुकानें। श्री भद्र मारुति टेम्पल, ये मंदिर तो काफ़ी सुंदर था। अब इसे हम अंदर जाएंगे तो जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट श्री भद्र मारुति मंदिर। तो कहा जाता है कि रामायण के युग में जब श्री लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो भगवान हनुमान जी जब संजीवनी की खोज में निकले थे तब उन्होंने यहाँ विश्राम किया था, इसलिए इनकी जो मूर्ति है यहाँ पर सोने की स्थिति में है जहाँ पे वो लेटे हुए हैं। जब अन्य काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है एंड यहाँ पर हनुमान चालीसा किया जा रहा था। पहले स्टार्ट नम्रता ने किया एंड देन शुभन भाई ने, एंड उनको देखते ही मुझे भी शर्म आ गई एंड मैंने भी फिर हनुमान चालीसा पढ़ी फ़ोन से देख के, क्योंकि पूरी हनुमान चालीसा मुझे याद नहीं थी, तो आधी याद थी आधी मैंने फ़ोन से देख के पढ़ ली। यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था पर इतनी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी तो कुछ कुछ क्लिप्स मैंने ले लिए थे। फिर बाद में जब मैं राम भगवान के पास जा रहा था तब मुझे मना किया गया कि यहाँ वीडियोस ना निकालें, तो मैंने फ़ोन रख दिया। धन्यवाद। मस्त दर्शन वाले के अंदर राम भगवान का दर्शन किया कि नहीं अंदर से? ऐसे ही मेरे को लगा कि कहीं एलोरा जाने वाले थे, वहाँ पे धोती कुर्ता अच्छा नहीं लगता। कोई नहीं, ऐसे लोग आते तभी ब्लॉग और चलता है। मंदिर दिखाओ यार, हमारा भी सही समय नहीं चल रहा है। हमने हनुमान जी का दर्शन तो काफ़ी अच्छी तरीके से कर लिया एंड हनुमान चालीसा भी हो गई। इसके बाद हमने लिया लड्डू प्रसाद से थोड़े प्रसाद जो कि काफ़ी टेस्टी थे, लड्डू एंड नारियल का पेड़ा, ये काफ़ी अच्छा था। अब यहाँ से हम निकलेंगे अपनी अगली लोकेशन पर। सो गाइस, औरंगाबाद में अब हमारा थर्ड लोकेशन भी कम्प्लीट हो गया, अब हम चलेंगे अपनी अगली लोकेशन पर। उसके पहले हम करेंगे थोड़ा पेट पूजा। कहाँ करेंगे देखिए। स्टार्ट से बोलो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, अभी हम यहाँ पर आए हैं होटल में सर लॉजिंग में खाना खाने के लिए। चलो चलो, मस्त होटल है। तो ये होटल का इंट्रो तो नम्रता ने पहले ही दे दिया, तो चलो चलते हैं अब होटल के अंदर। तो अब देखते रहिए अब किसी के अंदर का ब्लॉगर जागने वाला है कुछ समय के लिए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं हम निसर्ग होटल में थे एंड काफ़ी अच्छा होटल था एंड यहाँ पे खाने के काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। तो हमने स्टार्टर में हमने मंगाया मसाला पापड़ एंड देन हमने निसर्ग स्पेशल थाली मंगा ली जो कि काफ़ी टेस्टी थी। अब भैया पेट पूजा ओकरे बाद काम दूजा। सो गाइस, पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े अपनी चौथी लोकेशन के लिए जो कि था दौलताबाद फोर्ट। हम यहाँ देखेंगे चांद मीनार जिसके टिकट का कॉस्ट था सिर्फ 25 रुपया जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं था क्योंकि लोकेशन वहाँ पे काफ़ी अच्छी थी देखने के लिए एंड यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कि सबको फॉलो करने पड़ते हैं रिगार्डिंग गारबेज। तो गाइस चलिए बात करते हैं हम दौलताबाद फोर्ट के बारे में। इसे हम देवगिरी फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इस पर कई डायनेस्टियों ने राज किया है जैसे कि आप देख सकते हैं और एक अजिंक्य फोर्ट भी कहा जाता है। इस पर सबने राज किया है पर कोई इसे जीत नहीं पाया और इसके अंदर कई सारे हिस्टोरिकल चीज़ें पड़ी थी जैसे कि तोप थे कई सारे जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये था दौलताबाद का एंट्रेंस जो कि मुख्य द्वार पे था। अब यहाँ से हम जाएंगे अंदर एंड उसके बीच में हम काफ़ी वीडियोस फोटोज़ निकालेंगे एंड काफ़ी एंटरटेनमेंट होगा हमारा, आप देखते रहिए।
अब यहाँ पर आप देखेंगे एक भाई बहन का अद्भुत प्यार। ट्रेंड के चक्कर में क्या ही वीडियो बना रहे थे लोग। क्या था ये? तो अब हम देख सामने चार मीनार के, तो एक छोटा सा क्लिप ले लिया एक मेमोरीज के लिए। एंड ये रहा चार मीनार, जो कि काफ़ी पॉपुलर प्लेस है। एंड वीकेंड है, एज यूजुअल भीड़ काफ़ी थी एंड उससे ज़्यादा तो धूप था, क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें डेढ़ या कुछ समथिंग बज गए थे और घनी धूप थी। तो आधे लोग तो ऊपर आए नहीं, तो हम कुछ लोग जो ऊपर गए थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किए एंड देखे कि तो कैसा दिखता है चार मीनार। सेम कुतुब मीनार के टाइप का है, जैसे लास्ट टाइम जब हम दिल्ली गए थे तो वहाँ हमने कुतुब मीनार देखा। थोड़े ही ऊपर चलते आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक महल टाइप है थोड़ा सा। एंड यहाँ से औरंगाबाद का पूरा व्यू दिखता है, दौलताबाद फोर्ट आपको पूरा दिखेगा। अपने टाइम के अकॉर्डिंग हमने जितना हो सका उतना दौलताबाद फोर्ट एक्सप्लोर कर लिया। अब हम यहाँ से चल पड़ेंगे अपनी अगली लोकेशन की ओर, और धूप काफ़ी बढ़ती जा रही थी तो हम सोच रहे थे जल्दी से जल्दी अब होटल रूम पहुँचें। तो हमारे विश लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारी चौथी लोकेशन भी कम्प्लीट हो गई। अब यहाँ से निकलने के बाद हम पियेंगे नींबू पानी, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा था तो थोड़ा एनर्जी चाहिए था। एंड नींबू पानी पीने के बाद हम निकलेंगे अपनी अगली लोकेशन पर, जो कि हम देखेंगे बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा तो पहुंचने के लिए थोड़ा समय था, और तब तक हमारी पूरी टीम थक चुकी थी, कोई कोई तो गाड़ी में ही सो जा रहा था। एंड फाइनली हम वहां पहुंच गए तो सब में एनर्जी आ गई, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल प्लेस था, वो देखने के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल था। एंड आपको इसके हिस्ट्री के बारे में जानना हो तो आप श्योर जान सकते हैं, वहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। एंड यहाँ से एंट्री थी, और एंट्री फीस यहाँ भी 25 रुपीज़ थी, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं है। एंड ये देखो काफ़ी बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा था, एंट्रेंस से ही देख के काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड इतनी अच्छी हाइजीन बना के रखी है वहाँ पे कि लगता है कि ये टूरिस्ट प्लेस है। एंड एज यूजुअल वीकेंड था तो काफ़ी भीड़ थी। एंड लोकेशन से तो प्यार हो गया था यार मुझे, बहुत ही सुंदर लोकेशन। इसमें कई लोगों को डाउट होता है कि ताजमहल और बीबी का मकबरा एक ही है या डिफरेंट डिफरेंट, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होता तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो ये है बीबी का मकबरा, जो कि है औरंगाबाद में, और जो ताजमहल है वो है आगरा में, वो भी सेम ऐसे ही दिखता है। अब चलेंगे अंदर बीबी के मकबरे में, नीचे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाल ली थी, अब यहाँ से हम देखेंगे कि कैसा दिखता है। एंड इसका व्यू अंदर से भी काफ़ी अच्छा था। एंड ये लास्ट ये वाले पोर्शन पे हम नहीं जा पाए थे, क्योंकि काफ़ी थक गए थे और धूप काफ़ी लग रही थी, तो हमने फटाफट में टाइम लैप्स की तरह इसे ख़त्म कर दिया एक्सप्लोर करके। एंड काफ़ी मज़ा आया लेकिन एक्सप्लोर करने में, वीडियोस फोटोज़ तो एक नंबर आती हैं यहाँ पे। तो गाइस इसी के साथ हमारा पांचवा लोकेशन भी कम्प्लीट हो गया, फाइनली हम बीबी का मकबरा भी कवर कर लिए। तो हमने एक दिन में 5 लोकेशन कवर किए, वो भी इन अ टाइम। एंड उसके बाद हम अपने होटल पहुँचे, वहाँ पे जाके हमने रेस्ट किया थोड़ा, एक डेढ़ घंटा सबने रेस्ट कर लिया अच्छे से। फिर देन हम रात में 9:30 बजे निकले डिनर करने। एंड इसके बाद हमें काफ़ी खुरापात करना था, पूरी रात जागना था, तो यहाँ पे हम वीडियो ले रहा हूँ। हाय ध्रुव, यू आर माय फैन राइट? यहाँ पे बैठे बैठे हम ट्रिप का हिसाब भी लगा ले रहे थे, क्योंकि हमारा पूरा दिन कवर हो चुका था। अगले दिन हमारा 9:30 बजे ट्रेन थी। एंड उसके पहले हमने थोड़ी खुरापात की, थोड़ी मस्ती की, जो कि आप देखेंगे आगे। सैया सैया सैया।
दोनों की तरफ से मुंबई आ रहे हो। अब लोकेशन से इतना दूर जाओ तो उसके लिए एक डांस तो बनता ही है, बिना डांस के तो हुआ नहीं। तो ये भी हमने, ये तो मैंने जिस दिन निकलना था उस दिन सुबह 6:30 बजे मैंने डांस किया था। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।